भी छीन लिया गया और ये सबके विषय में आदरणीय मोदी जी विस्तार से बताएं किस तरह से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी तानाशाही पूर्वक रवैया अपना के अपना राजनीतिक स्वार्थवश इमरजेंसी लागू नियम और कानून को ताक में रखकर इमरजेंसी लागू कर दी थी। आज हम देखते हैं ऐसे और भी कई परिवार होंगे बालकृष्ण शर्मा जैसे अपने परिवार में अकेले वो कमाऊ सदस्य थे और जब वो जेल चले गए 19 महीना परिवार में कोई कमाने वाला नहीं तो हम लोग सोच सकते हैं कि उनके परिजन का क्या हाल होगा और जो भी कुछ बचे थे स्वयंसेवक वो रात रात में भेष बदल के राशन पानी पहुंचाते थे तब जाके मतलब चूल्हा जलता था नहीं तो कई घरों में चूल्हा जलता नहीं था कहे कि उनके राशन काम करने वाला कोई था ही नहीं तो ये सब देवकी महाराज हमको बताया करते थे और किस तरह से उस दौरान में मतलब नसबंदी भी हुआ कुमारों का भी नसबंदी हो गया हम लोग इतना लोगों के प्रति मतलब इमरजेंसी में उनको सताया गया तो ऐसे परिवार के आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं बहुत हमारे सेनानी भगवान को प्यारे भी हो गए हैं बहुत यहाँ पर उपस्थित हैं मैं आप सभी को नमन करता हूँ आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और कल आए थे आदरणीय सोनी जी उपासने जी और वैसे भी हम लोग आप लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं तो सब मालूम रहता है 2008 में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जिस तरह से सच्चिदानंद उपासने जी बता रहे थे कि कार्यक्रम में आए तो कई घंटे रह गए और स्वाभाविक है देश के लिए कितनी यातनाएं सहे ये सबको सुनकर कोई भी उनके बीच में रहना चाहेगा ही और एक सम्मान निधि के रूप में एक राशि देना प्रारंभ किए थे लेकिन पिछले कांग्रेस के समय में जैसा सोनी जी कह रहे थे कि पिछले जो मुख्यमंत्री थे वो कसम भी खा लिए थे कि मैं अपने मुख्यमंत्री रहते रहते ये सब देने दूंगा ही नहीं और ये मामला कोर्ट में लंबित है सारी जानकारी पहले से भी थी कल सोनी जी और उपासनी जी ने जानकारी पूरी दी है मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि उसमें जो भी लीगल पॉइंट होगा उसको देख के सरकार की तरफ से जो आवेदन कोर्ट में है उसको देख के उसको वापस लेके आप लोगों के साथ बिल्कुल आप लोगों के साथ न्याय होगा और अभी मैं घोषणा तो नहीं कर रहा हूं लेकिन अच्छा से अच्छा जो भी सरकार कर सकती है वो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी क्योंकि और कई कार्यक्रम में जाना है और दिल्ली भी निकलना है इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप लोग आश्वस्त रहिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ की सरकार लोकतंत्र सेनानी संघ परिवार के साथ न्याय करेगी निश्चित रूप से करेगी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर हमारा कार्य